देश में अवार्ड वापसी सीजन 2 की तैयारी जोरों पर है। करीब 30 अवार्ड विनर इस बात के लिए तैयार हैं और वे सब मिलकर बाकी खिलाड़ियों पर अवार्ड वापस करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये सब के सब सिर्फ अवार्ड वापस करेंगे, उसके साथ मिली रकम नहीं। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह की सियासत की जा रही है वह चौंकाने वाली है। सरकार पहले दिन से कहती आई है कि कृषि कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब किसान आंदोलन के नेता इस पर सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं, तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। लेकिन झूठी अफवाहें उड़ाकर किसानों को भड़काने वाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों का इरादा कुछ दूसरा ही है। दिल्ली की सीमा पर राशन पानी लेकर बैठे किसानों का इरादा बातचीत से मामले को हल करने का नहीं है। तभी तो वे पांचवें दौर की बातचीत से पहले ही अपने अगले कदम की घोषणा कर चुके हैं कि वे पहले पीएम मोदी का पुतला फूंकेंगे, 7 दिसंबर को अवार्ड वापस करेंगे, 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी, तो भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत की मांग है कि उन्हें अपने ट्रैक्टर से लाल किला और संसद भवन जैसे स्थलों का दौरा करने दिया जाए। उनका कहना है कि इनमें से अधिकतर किसान पहली बार दिल्ली आए हैं और वे इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने के बाद वापस गाजीपुर सीमा पर लौट जाएंगे। किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की तरफ आने वाली सड़कों को जाम करने की धमकी देते हुए कहा है कि भारत बंद के दौरान मोदी सरकार और बड़े कॉरपोरेट घरानों के पुतले जलाए जाएंगे। केजरीवाल एंड कंपनी कांग्रेस से भिड़ गई है और सवाल पूछ रही है कि अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले क्यों। किसानों के अड़े रहने और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर कंगना रनौत ने पूछा कि अभी वाला सिस्टम इतना मजबूत है तो किसान हर साल आत्महत्या करने को क्यों मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल कई किसान आत्महत्या करते हैं, हम दुनिया को खिलाते हैं, लेकिन हमारे ही किसान सबसे गरीब हैं, फिर कृषि सुधारों का विरोध क्यों हो रहा है। कंगना ने किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों से कहा कि क्या शाहीन बाग, बिरयानी गैंग और खालिस्तानी आतंकी ये बता सकते हैं कि कृषि कानूनों के साथ उनकी समस्या क्या है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे CAA कानून आने के बाद भी प्रदर्शन किए गए थे, उसमें कई लोगों की जान गई, जबकि ये साफ था इससे किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जानी है। उन्होंने पूछा कि कौन हैं ये खून के प्यासे दरिंदे जिन्होंने मासूमों को काट के गटर में फेंका। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने के ऐलान के बाद ही अवार्ड वापसी का दौर फिर से शुरू हुआ दिख रहा है। अकाली दल के राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपने पद्म पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। किसान आंदोलन के समर्थन में लगभग 30 पूर्व खिलाड़ी अपने मेडल्स वापस करने को बेकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।